राम राम जी। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी द्वारा रचा गया अस्त्र है, जो कि वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सुनने में आता है, पढ़ने में आता है। इसे आज का परमाणु बम भी कहा जाए तो कोई हैरान की नहीं होगी। ऐसा शास्त्रों में पढ़ने में आता है कि ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्ति है कि ये शत्रु का सेना सहित नाश करने में समर्थ है, और जिस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है उतने क्षेत्र में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा रहता है और बहुत सारी भूमि नष्ट हो जाती है। ये ब्रह्मास्त्र का प्रभाव वेदों शास्त्रों में कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएं तो पूरी पृथ्वी का और सारे जीवों का ही नाश हो जाता है, फिर से नई धरती, नए जीव ब्रह्मा जी को निर्मित करने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन आई थी महाभारत के समय में, जब अश्वत्थामा और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराने लगे थे, लेकिन वेद व्यास जी ने बीच में आकर उनको रोक लिया था। अर्जुन तो ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाने की कला जानते थे, लेकिन अश्वत्थामा इससे अनभिज्ञ थे, इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ की ओर परिवर्तित कर दी, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा श्री कृष्ण ने की थी और परीक्षित नामक बालक ने जन्म लिया था।